हाय टुकटुक, हाय टुकटुक, हाय कैसे हो? अरेगु ठीक हो? पिज़ा हाय भाई, देखो ये क्यूब है जो बिगड़ा हुआ है पूरा। हाय मम्मा। हाय। और ये क्यूब पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा बिगड़ा हुआ भाई। रूडो में बहुत खतरनाक तगड़ा वाला गेम चल रहा था और गेम के अंदर मम्मा आ रही है, बताओ कैसे। और सबसे लास्ट टाइम पे क्या हुआ, मेरे पास हमको चाहिए थे दो, हम मर की टीम थी, दो चाहिए थे हम दोनों की टीम थी, हम मर की टीम थी तो हमको बस दो चाहिए थे और अगर 6 आ गया तो 6 के बाद एक चांस चलाई तो दोनों को कैलकुलेट करके फिर चांस चला करो भाई, उसे क्या मिस्टेक हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने क्या रूल बनाया, 6 आया तो पहले 6 चलाओ, फिर आगे 2 आया तो 2 चलाओ, ये गलत कैलकुलेशन करके पीछे रह जाता है। ऑफलाइन लूडो खेल रहे थे गाइस, फोन में नहीं, ऑफलाइन जो पट्टी पे अपना वो डाइस के साथ खेलते हैं वो वाला लूडो खेल रहे थे, और ऑफलाइन लूडो में ज्यादा मजा आता है भाई। इट्स टू हॉट डे, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। आज तो डिम्पी की भी आईज नहीं खुल रही भाई, ऐसा आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ची गिर गई है। बहुत तीखी धूप आ रही है, बहुत तगड़ी वाली तीखी धूप आ रही है गाइस। और भाई हम आए बाहर क्योंकि कूलर में पानी भर रहा है। अब कूलर चालू करके? नहीं, तो बंद करने नहीं आए। देखो इतनी गर्मी में ये बंदी, मैं तो पानी भरवा रही थी, पर ये कूलर खर खर कर रहा है, क्या बोलते हैं। अब मैं आ रहा हूँ ना। भाई मैं बाहर आ जाता हूँ ना तो बच्चों के पास ये हो जाता, हम भी बाहर आएंगे और डिम्पी को बाहर आने नहीं देती है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और लू चल रही है। डिम्पी का कहना भी बिल्कुल सही है, बच्चे बीमार हो जाते हैं इससे। वजह से आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जा तू, जाओ अब, मैं बंद कर दूँ सबको। ये अकेली लू खाएगी। हाँ जाओ। चलो भाई मैं भी अंदर आ गया। स्वागत है हमारा, पधारो महाराज। तो गाइस गर्मी इतनी हो चुकी है कि बिना कूलर के रह ही नहीं जाता। रात में आई और गई, लाइट आई और गई, और जीजा और डैडा के साथ तो इतना मजाक हुआ। लाइट आती 5 मिनट में वापस जाती, आती 5 मिनट में वापस जाती, ऐसा होता। डैडा ऊपर काम कर रहे थे, लाइट गई तो डैडा सोचा पंखा चलाते, जैसे ही पंखा चलाया यहाँ पे बैठे कूलर चालू हो गया, तो कूलर फिर कूलर चालू हुआ तो वापस गए पंखा बंद करने, तो पंखा बंद जैसे करके यहाँ पे आए तो कूलर बंद हो गया, वापस लाइट चली गई, ऐसे करते गए करते गए और ऐसे थक गए। और जीजा के साथ भी यही हुआ था सेम। जीजा मदारी का बंदर। तो गाइस शॉर्ट शूट की तैयारी चल रही है भाई, शॉर्ट शूट करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। इस डब्बे पे 2 छेद हैं, इनको मुझे पिक करना है। इसके लिए मेरे पास एक चपड़ी है और एक कैंचड़ी है, और कैंचड़ी नहीं, हां मैगड़ी, एक कैंचड़ी और एक मैगड़ी, पिंकी मैगी, मैगड़ी, एक मैगड़ी और एक डिंपली, डिंपली एक डिंपली। अब डेडा का नाम क्या रखे? डेडा का नाम पिंकू। चलो मैं चिपका देता हूँ। शिंगू। जैसे अंधेरा हुआ, खाना वाना हुआ बच्चों का, और इन्होंने बोला हमको तो आइसक्रीम खानी है तो लेके चलो, तो भाई मैं इनको लेके जा रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए। और हमारी बच्चा पार्टी पीछे बैठी है शांति से, छुप छुप के बातें कर रहे हैं कि डेडा कहीं ब्लॉग में सुन ना ले, ऐसे बातें कर रहे हैं भाई दोनों बच्चे। भाई गर्मी बहुत रहती, दिन को तो बाहर निकलना होता नहीं है, और शाम का थोड़ा सा धूप से थोड़ी राहत मिलती है तो फिर मौका मिलता है बाहर जाने का। तो अभी निकले हैं हम आइसक्रीम खाने के लिए, और वैसे तो ये आइसक्रीम खाने की डिमांड थी जो
डिम्पी की थी, तो बच्चे भी साथ में हैं। फिर मैंने कहा चलो सब खाएंगे आइसक्रीम, चलते हैं। भाई मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है। तो मैं आइसक्रीम लेके आऊंगा और खाना खाने के बाद फिर मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अगर भाई खाना खाने के पहले अगर मैंने आइसक्रीम खा ली तो फिर मैं खाना नहीं खा पाता हूँ। इसके लिए मैं तो आइसक्रीम लेके आऊँगा, लेकिन ये जो बाकी मेंबर बैठे हैं गाड़ी में, इनको मैं आइसक्रीम खिला के लेके आऊँगा। सो भाई हमारे बच्चे आ चुके हैं आइसक्रीम खाने। ये देखो बड़ा बच्चा भी खा रहा है, बड़ा बच्चा, उससे छोटा बच्चा और सबसे छोटा बच्चा, सब मिल के आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं तो सबसे बड़ा हूँ। आराम से आराम से, बोले इसने गिरा दी। कोई बात नहीं, घर जाएगा वैसे नहाएंगे। हाँ ये सावर लेगा वैसे भी। मैं तो नहा के आई हूँ, ढोल भी नहीं। ये तो वैसे भी नहीं नहाती, अब नहा ली तो अब फिर समस्या हो जाएगी। चलो खा लो खा लो, नहीं सारा खा ले, आइसक्रीम पे फोकस कर। देखो देख रही मुड़ मुड़ के। इग्नोर जीजा इग्नोर। क्या सिखा रहा है, सही सिखा रहा है। इग्नोर करना सीख भाई। ठीक है बेटा ठीक है, खा लो आइसक्रीम। सीख खूब बोला मैंने, सीख खो बोला उसने। आप मैं गए सुन रहा, सीख नहीं बोला मैंने, सीख खो बोला, सीख खो। हाँ अच्छा। सो गाइज भाई आइसक्रीम खा ली है बच्चों ने, और मेरे लिए इन्होंने आइसक्रीम ले ली है, और अब हम जा रहे हैं वापस घर। कुछ कहना चाह रही है क्या? चुप इस रास्ते से नहीं। अबे भाई रोड दे। क्या हो गया? एकदम से लटका लगाया। वो जो रोड दे अबे मेरी। सॉरी सॉरी। इधर से तो टायर फूट रखा था। ऐसे गाड़ी बंद हो गई। पूरा टायर फूट लिया मेरे। तो भाई आराम से पियो ना यार, गाड़ी वाला आ गया, मेरी क्या गलती? अरे तुमने जोश में चलाया, धीरे धीरे लग रहा है। भाई सामने कार आ गई, ब्रेक मारना ही पड़ेगा, धीरे धीरे के चक्कर में कार के टक्कर हो जाएगी, फिर देर हो जाएगी। देर मतलब? देर मतलब टक्कर होने के बाद फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं है ना बेटी? फिर क्या? फिर टक्कर हो गई फिर क्या होती है यार? फिर कुछ नहीं होता है, फिर नुकसान होता है। फिर टक्कर तो टक्कर होती है, इसी बात कर रहा है ये बच्चा। अभी भी पानी पी रो, ध्यान रखना, ध्यान से पीना, कभी ब्रेक आ सकता है। हाँ ध्यान से पीना। हाँ भाई क्या कह रही थी? मैं कुछ नहीं, कुछ कह रही थी, भूल गई लगी। इस रूट से हम अक्सर आते नहीं है कभी भी, आते तो कभी कभी नहीं, इस वहां से आते तो इधर से नहीं आते भी। हाँ बट पिछली बार आपको पता हो तो रास्ता बंद था, अपन परेशान कितना हो। हाँ इसलिए मैंने ये रूट ले लिया, नया रूट लिया, लेकिन काफी गलियों से होता हुआ है। वैसे तो ये मेन गली है, काफी अच्छा लग रहा है भाई। शाम के टाइम में ज़्यादातर लोग भाई घरों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो शाम का टाइम ऐसा होता ना जब ज़्यादातर लोग अपने काम से या कुछ खाने पीने की वजह से बाहर निकल जाते हैं घरों से, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। अभी हम जहाँ से निकले भाई वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैंने इस बार क्या ना दूसरा रास्ता लिया, और इस रास्ते पर काफ़ी कम ट्रैफिक है, काफ़ी कम भीड़ है। पहुंचते हैं घर। It's like you lived a few lifetimes. Take off on my